हाय फ्रेंड्स, आप सबको स्वाति कुकिंग रेसिपीज पे स्वागत है। गर्मी तो इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो क्यों ना एक समर स्पेशल लंच थाली बनाया जाए। हाँ, जो भी मैं इसमें बनाऊंगी वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और लाइट भी है। आप कभी भी घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं। ऐसे मैंने कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड नहीं किया जो कि आपके घर की रसोई में नहीं होगी। अगर इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट आपके पास ना हो तो आप प्लीज़ अवॉइड कर सकते हैं। जब ये मिले तभी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर ये समर स्पेशल लंच थाली पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तो चले शुरू करते हैं। आज की फर्स्ट रेसिपी परवल फ्राई है। तो ये परवल बट हमने देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल में कट किया। अगर आपको जानना है कि मैंने ऐसे कैसे कट किया, आप मुझे कमेंट डाउन करेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये फ्राई करने के लिए जो जो मुझे प्रोसेस था, अच्छे से धोने के बाद मैंने ये कट लगाई। आपको अगर अभी नहीं आता है ऐसे बनाना तो आप सिंपल सी परवल फ्राई भी बना सकते हैं, पर मैंने इसे डिफरेंट स्टाइल दिया। वो फ्राई करने के बाद और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, हमने यहाँ पर मैरिनेट करने के लिए परवल के ऊपर दे दिया सिंपल सा नमक यानी सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। तो देखिए मैंने चारों तरफ ऐसे अच्छे से लगा दी और मैं जाऊंगी अभी इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। परवल फ्राई बनाने के लिए मैंने इंडक्शन पे एक कढ़ाई चढ़ाया। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। आप चाहो तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं, पर ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी हम लोग एक एक करके ऐसे परवल को फ्राई करेंगे। ये डिफरेंट स्टाइल में हमने कट किया ना, तो फ्राई होने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगी। जैसे ही धीरे धीरे कलर चेंज होगा ना, आपको ज़रूर समझ में आए। आप जरूर रेसिपी को ट्राई करना, मैं इसकी वीडियो बाद में ज़रूर डालूंगी। देखिए टेम्परेचर हमने मीडियम टू लो रखा और अच्छे से इसको पकाऊंगी और फ्राई भी करूंगी। इस तरह के अगर आप परवल फ्राई करेंगे तो ऐसे नॉर्मल टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है। यह देखिए जैसे परवल फ्राई हो गया, हमने जैसे कट लगाया था वो कितने अच्छे से नज़र आ रही है। परवल अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं यहाँ पर एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट रेसिपी बनाने के लिए। अब मैं बनाने वाली हूँ बहुत सिंपल एक पोटैटो करी यानी आलू की सब्ज़ी। बनाने के लिए इंडक्शन को मीडियम रख के कढ़ाई चढ़ाया। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल ऐड किया। ऑयल भी यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुकी है। टेम्परेचर हमने अभी एकदम लो रखा और ऐड किया 1 टीस्पून शाह जीरा। अगर आपके पास शाह जीरा अवेलेबल नहीं है तो आप क्यूमन शीट पर डाल सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा। साथ में मैंने ऐड किया 1/2 यानी 1/2 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स और इसमें मैंने ऐड किया 1/4 टीस्पून हींग यानी एसाफोटिडा। टेम्परेचर लो रख के मैंने यहाँ पे ऐड किया 2 ड्राई रेड चिली। आप चाहो तो ड्राई रेड चिली और भी ज़्यादा तीखा बना सकते हैं, पर मुझे तो बस बहुत लाइट चाहिए। आप देखिए अच्छे से मैं भून रही हूँ। अब मैंने ऐड किया 1/4 टीस्पून जिंजर यानी अदरक और साथ में मैंने रखा बड़ा बड़ा पीस करके चॉप्ड किया हुआ 2 ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च। ये सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। टेम्परेचर लो रखा और यहाँ पे मैंने लिया 3 मीडियम साइज़ के टोमेटो जो मैंने ऑलरेडी उबाल के रखा यानी बॉईल करके रखा। ये अच्छा फ्लेवरफुल होगा इसलिए मैंने ऐड किया। वो देखिए खड़ा खड़ा ही मुझे डालना है। अगर आप चाहो तो इसे भी पेस्ट बना सकते हैं, पर मुझे ऐसे ही चाहिए। तो देखिए सारे को अच्छे से मैं मिला रही हूँ टेम्परेचर मीडियम रख के। खाना बिल्कुल कलरफुल होना चाहिए तो मैंने इसलिए ऐड किया 1 टीस्पून कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर। अगर आपको ना पसंद हो आप जरूर इसको स्किप कर सकते हैं। साथ में मैंने ऐड किया 1/2 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर यानी जो तीखा वाला होती है ना वो। एक साथ मिला रही हूँ टेम्परेचर मीडियम रख के। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी हल्दी का पाउडर। अगर आपको लगे कि आपकी मसाला जल सकती है तो आप थोड़ी सी ल्यूकम वाटर यानी गुनगुना सा पानी ऐड कर सकते हैं, पर इसी प्रोसेस में आपको टेम्परेचर लो और मीडियम रखना है। तो देखिए कलर कितना बढ़िया आए हैं। हमने यहाँ पर लिया है 5 मीडियम साइज़ का आलू जो देखिए मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखा और छिलका हटा के रखा, पर यह बिल्कुल मैंने मैच नहीं किया। अब मैं हाथों से ऐसे देखिए अनइक्वल यानी अनइवन शेप में मैं ऐसे कट रही हूँ, इसी में ही स्वाद अच्छा आएगा। तो देखिए डालने के बाद हमने टेम्परेचर मीडियम रखकर अच्छे से मसाले के साथ इसे मैं मिला रही हूँ।
मसाले और आलू यहाँ पे अच्छे से कुक होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ल्यूकॉम वाटर। मैंने यहाँ पे 350 ml ल्यूकॉम वाटर यानी गुनगुना सा पानी ऐड किया। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर ल्यूकॉम वाटर यानी गुनगुना सा पानी ऐड करें, नहीं तो इसकी स्वाद जाएगी। अगर आप इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाते और पहली बार सीख रहे तो ये सब छोटी छोटी टिप्स आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम खाना बनाना सीखा ना, धीरे धीरे मैंने ऐसे ही सीखा, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल भी पहले नहीं आती थी। तो देखिए, आप टेस्ट अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे यानी नमक। आप भी अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करें, टेम्परेचर लो टू मीडियम रखें और इसको अच्छे से पकाएं। ये है तो बहुत सिंपल, पर जब आप इसको खाएंगे तो मुझे पता है आपको बहुत पसंद आने वाले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। इसमें ज़्यादा मैंने कुछ मसाले ऐड नहीं किया। अब मैं इसमें मिला रही हूँ 1 टीस्पून किचन किंग मसाले। जो मेरे बंगाली व्यूवर होंगे वो मेरे बंगाली चैनल विजिट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको बंगाली नहीं आती है तो मैं ज़रूर इसकी रेसिपी बाद में शेयर करूँगी, आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लीड लगाया और वेट 15 मिनट्स, टेम्परेचर लो टू मीडियम रख के। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स मैंने यहाँ से लीड हटा लिया और देखिए आलू की सब्जी कितना टेम्पटिंग दिखने में हुई है और ये टेस्ट भी बहुत अच्छी आएगी, मेरी गारंटी है। आप ज़रूर मुझे लिखकर बताइए ये सिंपल आलू की कढ़ी आपको कैसे लगे। तो देखिए, थिकनेस भी इसकी काफ़ी गढ़ा हो चुकी है और इसके कलर तो बहुत ज़्यादा लाजवाब आ चुकी है। आलू की सब्जी यहाँ पे बन चुकी है तो मैंने इंडक्शन ऑफ कर दिया और इसे मैं साइड में रख दूँगी और चाहूँगी नेक्स्ट रेसिपी बनाने के लिए। चावल और दाल है बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन। तो देखिए, हमें भी तो दाल बनानी है, तो दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप लिया तुरी यानी अरहर का दाल। लेने के बाद अच्छे से इसको मैंने 5 से 6 बार वॉश करने के बाद इसे फर्स्ट में प्रेशर कुक करूँगी। तो प्रेशर कुक करने के लिए मैंने सारे दाल को यहाँ पर डाल दिया। मैंने यहाँ पर 1.5 कप लिया था दाल, तो मैंने यहाँ पर 2 कप मिलाया है पानी। इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करनी है, आपको ख्याल रखनी होगी। साथ में मैंने ऐड करा थोड़ा सा नमक यानी सॉल्ट। तो अब मैं इसमें हल्दी का प्रयोग नहीं करूँगी, हल्दी मैं बाद में यूज करूँगी। तो चलिए, अब मैं इसको सीटी लगा दूँगी और मैं इसमें 3 से 4 सीटी आने दूँगी मीडियम आंच पे। सीटी भी लग चुकी है, ठंडी भी हो चुकी है। तो देखिए, सारे सीटी निकाल दिया मैं। अब मैं इसका लिड जो है ओपन करूँगी। यहाँ पे देखिए, तुअर दाल कितने अच्छे से पक चुकी है, पर हमें बिल्कुल मैशी मैशी दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी लिड हटा लिया। आप चाहो तो इसे और ज़्यादा पका सकते हैं, पर मुझे ऐसे ही अच्छी लगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब समय है दाल को छौंक लगाने की। तो छौंक लगाने के लिए इंडक्शन पे एक कढ़ाई चढ़ाया, टेम्परेचर लो रखा। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून घी। आपको अगर घी पसंद ना हो और आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप बना सकते हैं मस्टर्ड ऑयल में, पर एक दिन तो ऐसे खाना बन ही सकते हैं। तो देखिए, जब यह अच्छे से गर्म हो चुके हैं, मैंने यहाँ पर 2 ड्राई रेड चिली यानी सूखी मिर्च ऐड किया। साथ में मैंने दिया 1/4 टीस्पून एसाफोटिडा यानी हिंग। टेम्परेचर लो रखे, बिल्कुल भी इसे ज़्यादा ना करें। साथ में मैंने ऐड किया 1 टीस्पून शाहजीरा। मुझे शाहजीरा ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसे ऐड किया। अगर आपको ना पसंद हो और आपके पास अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, आप होल जीरा यानी क्यूमन सीड पे डाल सकते। देखिए, सारे को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी और टेम्परेचर लो रख के मैंने इसमें ऐड करा 20 से 30। मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता यानी करी लीव्स मैंने ऐड किया। इसके फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है और समर में तो बहुत ज़्यादा मिलता है, तो मैंने ऐड किया। तो देखिए, ये जब अच्छे से भुन चुकी है यहाँ पर, अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ थोड़ी सी अदरक यानी जिंजर, जिसे मैंने छोटा छोटा पीस में काट रखा। सारे चीज़ें भूनने के बाद एक मीडियम साइज का टमाटर लिया, जिसका मैंने सीड अच्छे से धो के निकाल दिया, क्योंकि मुझे टमाटर का शेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देखिए, देने के बाद इसे भी मैं मिला रही हूँ। दाल ज़्यादा टेस्टी बने इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया ड्राई फेनुग्रीक लीव्स यानी कसूरी मेथी। इसके पहले मैंने हल्दी नहीं मिलाई, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर।
मसाले अच्छे से भुन होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तुअर दाल, पर हमने टोटल तुअर दाल ऐड नहीं किया, इसमें से जस्ट 3 टेबलस्पून दाल ऐड करने के बाद मसाले के साथ अच्छे से ऐसे फ्राई करियो। इसमें क्या होगा, खाने का टेस्ट जो आएगा ना वो बहुत अच्छा बनेगा। तो टेम्परेचर मीडियम रखा और देखिए दाल को सारे मसाले के साथ मिक्स कर रही हूँ। लगभग 5 मिनट दाल को ऐसे फ्राई करने के बाद जो रिमेनिंग दाल था जो बॉईल करके रखा था वो सारे ऐड कर रही हूँ। अब सारे मसालों और दाल को एक ही साथ मिक्स करना है, टेम्परेचर मीडियम रखना है। अगर आपको ऐसा लगे कि दाल हमारी थिक है यानी थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप ल्यूकॉम वाटर ऐड करें और दाल की कंसिस्टेंसी को थिक कर सकते हैं। पर क्या है, यहाँ पे मुझे दाल तड़का बनानी है, दाल पतला हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं एज इट इज रखने देती हूँ और इसमें टेम्परेचर हाई रख के बॉयल आने देती हूँ। टेम्परेचर लो रख के दाल को मैंने लगभग 15 मिनट्स तक ऐसे पकाया। इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर जैसे मोटा शेप में काट के रखा तो मैंने इसे ऐड किया। जब ये कच्चा कच्चा मुंह में आती है ना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ऐड किया। आप भी ज़रूर इसको देखिए और एक बार ट्राई करना ही चाहिए। तो देखिए दाल हमारी यहाँ पर बन चुकी है, तो मैं इंडक्शन को ऑफ करूँगी और ये निकाल लूँगी। मैं जाऊँगी नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने इंडक्शन पर फिर से एक कढ़ाई चढ़ा, टेम्परेचर मीडियम रख के हमने यहाँ पे ऐड किया 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुकी है, मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेस्पून शाही जीरा। शाही जीरा अच्छे से क्रैकल होने देते हैं टेम्परेचर लो रख के। अच्छे से भुनने के बाद इंडक्शन मैं ऑफ कर दूँगी और इसमें मैं मिलाने वाली हूँ 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर। ये बहुत अच्छा कलर आएगा, ये तो आपको बिल्कुल ऐड करनी है। पर हाँ, आपको ख्याल रखना होगा कि इंडक्शन इस टाइम पर बंद हो। आप अगर गैस में बना रहे तो प्लीज़ गैस ऑफ कर दीजिए। अब हम जाएंगे दाल में सेकंड तड़का लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारी है दाल जो हमने ऑलरेडी बनाया, ये देखिए मिर्ची वाली, तो वो मैं इसके ऊपर से ऐड कर रही हूँ। दाल यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी है तो मैं इसे साइड में रख रही हूँ और जाऊँगी नेक्स्ट रेसिपी बनाने के लिए। अब मैं बनाने वाली हूँ करेला भुजिया यानी बिटर गर्ड फ्राई। तो बिटर गर्ड फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिया है बिटर गर्ड यानी करेला, जिसे मैंने अच्छे से धोने के बाद ऐसे राउंड राउंड शेप में काट लिया। अब मैं इसमें मिला रही हूँ स्वाद अनुसार नमक यानी सॉल्ट। साथ में जाएगा कलर के लिए 1 टी स्पून टर्मरिक यानी हल्दी का पाउडर। अब मैं इसमें मिलाऊंगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा भी मिला सकते हैं, पर आपको ज़रूरी से मिलाना ही होगा। और इसमें ऐड करनी है 2 टेबलस्पून मैदा यानी होल पर्पस फ्लोर। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को करेला के साथ अच्छे से मिलाना है। इसमें तो पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल सूख गई है क्योंकि हमने ऑलरेडी करेला धोया है था तो उसका पानी तो ऑलरेडी था, आपको लगे कि सूखा हो चुकी है तो आप थोड़ी सी पानी छिड़क सकते हैं। इसमें मैं कोटिंग हो जाए इसलिए ऐड कर रही हूँ 2 टी स्पून मस्टर्ड ऑयल। इसमें कोटिंग भी अच्छी आएगी तो इसलिए मैंने ऐसे ऐड करा, मिला रही हूँ। आप चाहेंगे फ्राई करने के लिए, तो देखिए फ्राई करने के लिए इंडक्शन पे एक कढ़ाई चढ़ाया, टेम्परेचर लो रखा और कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद हमने टेम्परेचर को हाई रखा और इसमें ऐड किया ढेर सारे मस्टर्ड ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल के साथ अच्छा कम्बिनेशन है तो मैंने इसीलिए करेला फ्राई इसे ही प्रेफर करूँगी। अगर आपको कोई और ऑयल में बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए ऑयल गर्म होने के बाद मैं अच्छे से इसे मैं दे रही हूँ, पर देते टाइम टेम्परेचर हमें मीडियम रखना है। चाहे इसमें कॉर्नफ्लोर हो, मैदा हो, चावल का आटा हो, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो कुरकुरा तो बनेगा ही, पर टेम्परेचर हमें पहले लो रख के इसे फ्राई करनी है। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए तब हमें टेम्परेचर को हाई रखना है और अच्छे से इसे फ्राई करना है, तभी इसमें क्रिस्पीनेस आएगी। ये आपको ज़रूर ख्याल रखें। करेला यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, अब मैं टेम्परेचर को हाई रखूँगी और इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। करेला का चारों तरफ देखिए अच्छे से कुरकुरा हो चुकी है, अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ। सारी रेसिपीज मैंने बना लिया, अब चलिए चलते हैं थाली के लिए।
यहाँ पे हमारे समर स्पेशल लंच तले रेडी एंड सर्व। मैंने इसको सर्व किया हॉट एंड स्टीम प्लेन राइस के साथ, क्योंकि मुझे लगता है इसके साथ ये अच्छी जाएगी। मैंने रखा है ढेर सारे सलाद, क्योंकि सलाद के बिना हमारी लंच तो बिल्कुल अधूरा है। साथ में मैंने पूरी भी रखा। तो आप ज़रूर बताइए कि आज के ये आइडियाज आपको कैसे लगे। आप सब लोग घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।